हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज मैं बात करने वाला हूं एक प्रॉब्लम के ऊपर। ये प्रॉब्लम हमारे एक यूजर ने मुझे भेजा है, जो हमारे कोर्स यूजर है, उन्होंने मुझे भेजा है। मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बेसिकली उनके पास इस तरह की लिस्ट ऑफ डेटा है और वो चाहते इन डेटा को, हर एक पर्सन के डेटा को अलग अलग शीट पे सेपरेट करना। कैसे करें? जैसे कि एक नई शीट ऐड होगी, यहाँ पे पूजा टाइप होगा नेम, क्योंकि पूजा का शीट ऐड हो रहा है, और फिर यहाँ से हेडिंग के साथ पूजा का टोटल जो है कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद वो ये जो टोटल जो चाहते हैं, एक टोटल को भी यहाँ पे कंपनी टोटल पे टोटल सेल्स को भी यहाँ रखना चाहते हैं। और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक काम और हम करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन है, तो कैसे? 45 डिवाइड बाय B4, और फिर इसको हम यहाँ पे करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट, एंड देन इसको यहाँ से लेकर नीचे तक ड्रैग करेंगे। अब एक प्रोसीजर हमारी एक के लिए हो गई, बाकियों के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। सीट ऐड करो, डेटा को भी पेस्ट करो, ये सेम करना है। अब ये टूल्स नॉर्मल एक्सेल से तो होगा नहीं, इसके लिए हमें इस्तेमाल करने होंगे वीबीए प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैंने सैंपल के तौर पे कुछ नाम लिए हैं, बट ये नाम हो सकता है 500, 700 या 1000 या 10000, ऐसे हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले। इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में, सर्च करना है एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। एंड्रॉइड पे भी है, आईओएस पे भी है, दोनों का लिंक इस वीडियो में मैं दे रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट मेरे कोर्सेज। जी हाँ, मेरी कोर्सेज मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज, जिसमें आप सीख सकते हैं गूगल शीट, एडवांस एक्सेल, कंप्लीट एमआईएस, पावर बीआई, एक्सेल वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, एमएस एक्सेस डेटाबेस, और इसके साथ बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके मेरे साथ डेमो ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, डेमो क्लास भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे डेमो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाइव क्लासेज होती है जूम के थ्रू, और दूसरा रिकॉर्डेड क्लास होती है हमारी ऐप के थ्रू। तो चलिए आप वापस आते हैं, सूचना समाप्त हुई। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ डेवलपर पे आते हैं, विजुअल बेसिक, इंसर्ट मॉड्यूल के मॉड्यूल पे लेंगे, और इसको हम दो स्क्रीन कर देते हैं ताकि आप देखें कि क्या हो रहा है। थोड़ा सा जूम आउट, जूम कर लीजिएगा, मैं भी यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि कोड आपको दिख सके मैग्नीफायर से। यहाँ पे हम देते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कॉपी शीट, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहां पे लगाएंगे सबसे पहले लूप, बिफोर 22 चले, और कहां तक चले? तो ए आपका डेटा कहां तक है? आपका डेटा आपका है 13 तक, इसलिए यहां पे हम 13 तक देते हैं। फोर आई इक्वल टू आई इक्वल टू 30 और नेक्स्ट आई। और सबसे पहले तो हम डेटा कॉपी करेंगे हेडिंग, जो कि A1 से लेके आपका आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्या आपका M1 तक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं रेंज A1 से M1.copy, और फिर हम करते हैं शीट्स डॉट एड, इसका नेम क्या होना चाहिए? डॉट नेम। तो नेम होना चाहिए शीट का, नेम होना चाहिए, हाँ, रेंज
ए के साथ आर डॉट बैक। अब इसमें शीट का नेम भी देना होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शीट का डेटा, शीट का नाम जो हमारे पास है वो है हाँ डेटा। तो जहां जहां हमने यहाँ लिया है वहां वहां डेटा शीट लेना होगा, क्योंकि दो शीटों के ऊपर डिस्टेंस हो रही है, तो डेटा शीट हमें देना होगा, डेटा शीट डॉट कॉपी और शीट डॉट वैल्यू। तो यहां भी इसके आगे भी हम देंगे डेटा, ओके। इसका जो शीट ऐड हुआ है उस पर हम करेंगे रेंज A1 डॉट पेस्ट स्टेशन, और यहां पे पेस्ट ऑल कर देते हैं। अभी एक्टिवेट सीट जब ऐड कर लिया तो जो सीट ऐड हुई है इसका ना हम नाम दिए हुई सीट हमारा एक्टिवेटेड है। उसके बाद वापस हम जाएंगे डेटा शीट के अंदर, डेटा शीट शीट्स डॉट डेटा, और इसमें देंगे हम रेंज, और इस बार हमारा ए तो फिक्स है लेकिन रो फिक्स नहीं है, तो हम रो में हम आई ले लेते हैं यहाँ पे कॉमा, और फिर एम एम के साथ भी हम आई ले लेते हैं। तो ए वहां ए टू से एम टू इस तरह से बन जाएगा डॉट कॉपी। उसके बाद सेम हम इसको लेते हैं कॉपी, इस बार ए वन नहीं यहाँ पे हो जाएगा ए टू। उसके बाद अब यहाँ पे पेस्ट कर दिए तो वापस हमें ये जो है हमारा टोटल है यहाँ पे कंप्लीट टोटल जो है इसको पेस्ट करना है। अब ये 15 में हो सकता है या 20 में हो सकता है, क्योंकि यहाँ 13 तो हमने दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लिया, लेकिन पता है कि सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे हमने देते हैं शीट, एक ड्राइवर ले लेते हैं यहाँ पे सही रहेगा, आर एज ए रेंज, आर एज ए इंटीजर, और यहां पे देते हैं रेंज ए वन से ए वन में ए पैंसठ हजार डॉट एन एक्स लेट्स अप डॉट रो। ये रो कहां स्टोर हो जाएगा, आर के ऊपर, और शीट का नेम भी देना है जरूरी है, तो शीट्स और हमने यहाँ पे डेटा शीट दे दी। अब मैं यहाँ पे करता हूं शीट्स डेटा डॉट रेंज ए के साथ हम आई में आर को कंबाइन करते हैं, और फिर एन के साथ हम अगेन आर को कंबाइन करते हैं और इसको करते हैं कॉपी। कॉपी हो गए, और फिर वापस ए रेंज एक रो एक ब्लैंक छोड़ना है, ए थ्री छोड़ देते हैं, ए फोर पे हम पेस्ट स्पेशल कर देते हैं, और फिर यहां हम रेंज B5 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू इक्वल B2 डिवाइड बाई B4। और इसको रेंज B5 डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू 0.00%। और उसके बाद रेंज B5 डॉट कॉपी, मैं कॉपी किया, और फिर हम करते हैं रेंज रेंज बी में C5 से
एम फाइव डॉट टेस्ट स्टेशन टेस्ट ऑल। और फिर अब वापस हम शीट्स डेटा डॉट सिलेक्ट, अभी हमारा हो गया। अब इसको मैं माइनस करके स्क्रीन पे आता हूं और इसको हम वन बाय वन चलाते हैं। तो पहले पूजा को हम डिलीट कर देते हैं और देखिए वन बाय वन कोड कैसे चलता है। स्टेप इन्फो में चलाने के लिए फॉर्म में यहाँ पे डिबग में स्टेप इन्फो, मैं यहाँ एफ एड यूज करता हूँ एफ एड, और आई इक्वल टू क्या है टू है। मुझे सबसे पहले डेटा शीट पे आना होगा, ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग करते समय डेटा शीट एक्टिवेट होना चाहिए। तो डेटा शीट का रेंज जो है हमारा कॉपी हुआ, एक नई शीट ऐड हुई जिसका नाम पूजा था, इसमें इसको पेस्ट कर दिया। फिर डेटा शीट आप देखेंगे डेटा शीट पे हमारा ए डेटा पेस्ट हो गया पूजा का डेटा, और इसने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आर में क्या स्टोर हुआ, आर ने क्या किया 15 लिया, तो भाई ये आपका 15 है तो 15 इसने ले लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे कि डेटा शीट में ए 15 से एम 15 को इसने कॉपी कर लिया, देखिए कॉपी कर लिया। फिर वापस गया ए 4 पे और ए यहाँ पे ए 4 पे गया और देखिए पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद वो यहाँ पे ए लगाया आपका फॉर्मूला, ए परसेंटेज लगाया और परसेंटेज का फॉर्मेट दिया, और फिर इसको कॉपी किया और पूरे सेल को सिलेक्ट कर इसको कर दिया पेस्ट एज ए, और पेस्ट ऑल कर दिया ताकि फॉर्मूला एंट्री हो जाए, और इसने वापस डेटा शीट पे आ गया। और इसी प्रोसीजर को इसने कंटिन्यू किया और आप देखिए हर शीट का अलग अलग, हर बंदे का अलग अलग शीट को इसने दे दिया। एक कोड रहा, इस कोड के जरिए हमने किया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल कीजिए, और कभी भी कुछ दिक्कत होती है तो मुझे बेझिझक कॉल कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और हाँ, वीडियो का लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू।